नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। लोकसभा चुनाव के बाद इसी साल भारत के पूर्वी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। हालांकि मैं ये कतई नहीं कह रहा है कि उन राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी सरकार अगर राज्य में ना हो तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के लिए ये नाक का सवाल होता है कि उस राज्य का चुनाव जीता जाए। और झारखंड में जो अभी सरकार चल रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, JMM कांग्रेस की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयास कर रही है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसको डिफीट किया जा सके, हराया जा सके। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने तर्कस से दो नए तीर चले हैं, यह कहिए कि जो दो तीर भारतीय जनता पार्टी के सर्वोत्तम तीर में से हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए यूज कर लिया है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि झारखंड जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतार दिया है झारखंड में, और साथ ही साथ जो फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं है ना, हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में उतार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो दिग्गज नेताओं को झारखंड जीतने के लिए लगाया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के आपको पता ही है, कहिए ना कहिए पार्टी तो नहीं की, हालांकि वो जेल में है। तो अभी जो सरकार है चंपई सोरेन की, गुरुजी की, तो उस सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो दिग्गज नेताओं को उतारा है यहां से। अब मैं ये बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा आखिर कितने बड़े फाइटर हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सत्ता दिलाने में सक्षम हो पाएंगे, ये कितने बड़े नाम हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी बहुत भी इनके बारे में जानते हैं तो आपको इनके बारे में पता होगा कि ये कितने बड़े सक्षम नेता हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सक्षम नेता हैं, ये अपने अपने राज्यों में कई बार चुनाव जीत चुके हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ शिवराज सिंह चौहान की। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान कई सालों से लगातार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, बीच में एक डेढ़ साल का दौर चला जिसमें आपको पता ही है कि कमलनाथ की सरकार बन गई थी, वो भी 2-3 सीटों का ही फर्क था भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच, सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई। और जो बीते हुए 2018 में विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश में, उसमें 2-3 सीटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह से बैटिंग की पूरी अपने कार्यकाल में, 5 साल का तो कार्यकाल था नहीं, 1.5-2 साल तो कार्यकाल कमलनाथ यूज कर गए थे, तो इस बचे हुए कार्यकाल में ऐसी बैटिंग की, एकदम T20 कहिए कि T10 का क्रिकेट खेला, और यहां पर ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है, मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, सबसे ज्यादा अगर कहीं आदिवासी निवास करते हैं तो ये मध्य प्रदेश है, झारखंड भी आदिवासी इलाका है। तो शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं ये अनुभव है कि आदिवासी इलाकों में कैसे चुनाव जीता जाता है और कैसे आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया जा सकता है, एक बात तो ये हो गई। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान रणनीति बनाने में सक्षम है, कई बार से मुख्यमंत्री रहे हैं और ये कई बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला चुके हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ आपको पता है झारखंड से सटा राज, आदिवासी बहुल राज, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में इनकी बड़ी हाथ रही है। किनकी मैं बात कर रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान की। और अब शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है झारखंड में, और ये रणनीतियां बना रहे हैं, विधायक सांसदों से मिल रहे हैं और झारखंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां रणनीति बनाए कि कोई कोर कसर छोड़ी ना जाए। तो ये बात हो गई शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान कद्दावर नेता है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है हेमंत बिश्व शर्मा की। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ये फायर ब्रांड नेता है,
और नॉर्थ ईस्ट राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ, त्रिपुरा का सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने हथियाया और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी की भूमिका में है। और आसाम में है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा योगदान था। एक बार ये मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि ये कांग्रेस के पहले नेता थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन अगला बार फिर इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव जीती। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, उनको केंद्र में भेजा गया और इनके मुख्यमंत्री को पोस्ट दिया गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, सात स्टेट सात राज्य इसको यही संभालते हैं और इनको फायर ब्रांड कहा जाता है। आपको पता ही है कि ये चूकते नहीं है, जहां पे भी बांग्लादेशी घुसपैठिया, आपको पता है कि कई मदरसों को बंद करा दिया गया, अतिक्रमण सटा राज्य बांग्लादेश के साथ, ये फायर ब्रांड हिंदू नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुत्ववादी चेहरा इनका रहा है। और ये मुद्दा उठाते रहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों और सारी चीज का, झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मुद्दा रहता है। और इनकी जो क्षमता है, और ये और भी महत्वपूर्ण है एक तरीके से, कैसे महत्वपूर्ण है आपको पता है कि कहा जाता है कि है ना, इन्होंने सरकार गिरा ही दिया था हेमंत सोरेन का, थोड़ा सा के लिए चूक हो गया, बीच में ममता बनर्जी आ गई, कांग्रेस के कुछ विधायक पकड़े गए, ऐसे आरोप लगे, हालांकि है ना बाद में बहुत सारी चीजें हो गई, पर ये आरोप लगे कि इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था, ममता बनर्जी आ गई, गिरफ्तारी हो गई, सारी चीज हो गई, तो ये बच गए, हेमंत सोरेन की सरकार बच गई। अब ये कितना सच था नहीं था उस पर तो मैं जाता नहीं है, ये एक चीजें थी, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के काबिलियत को नकारा नहीं जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हेमंत बिस्व शर्मा एक बड़े चेहरे रहे हैं और हेमंत बिस्व शर्मा अपने क्रियाकलापों से कहीं से भी योगी आदित्यनाथ से कमतर नहीं दिखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड जीतने के लिए अपने तर्कस में से जो सबसे अच्छे तीरों में से हैं, उस तीर को भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुप नहीं बैठी है, झामुमो के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ये कहीं ना कहीं कहिए कि थोड़ी सी एज इस मामले में आती है, क्योंकि सरकार उनका झारखंड में है, वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाएंगे और अगर वो 1,00,000 के करीब रोजगार निकाल दिए है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की जो नैरेटिव है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी यहां 5 सीटें हार गई, लेकिन 81 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है ना। अगर यही रह गया विधानसभा में तो सत्ता में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वही कहा जाता है कि ऐसा है नहीं कि ये तो कोई गणित है नहीं कि भाई लोकसभा चुनाव में ऐसे हुआ तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो धुरंधर चेहरों को यहां से उतारा है कि भाई झारखंड हमको जीत के दो, झारखंड हर हाल में हमको जीतना है। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया, आगे क्या क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताते रहूंगा। जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।